ये आपको वाली फीलिंग नहीं देता है जो आपको एक स्प्लेंडर में मिलती है या आपको पैशन में मिलती है या अगर आपको प्लैटिना में मिलती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बाइक मुझे लुक एंड फील में तो मैं आ गया अपने नेटिव प्लेस बर्धवान में और हमने खरीदी है यहाँ पे TVS की स्पोर्ट्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे क्या ओपिनियन है इस बाइक के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक एंड फील की। लुक में ये बाइक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये बहुत ही सिंपल है और थोड़ा सा एलिगेंस है इसमें। अगर आप देखेंगे ये बाइक शुरू से लेके एंड तक बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कुछ ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं है। इसका आप टैंक देखेंगे बहुत ही अच्छा शेप है। दूर से देखने पर यह बाइक मुझे यूनिकॉर्न की झलक देती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 110cc में मुझे इससे अच्छी गुड लुकिंग बाइक नहीं दिखी। अगर मैं इसकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करूं तो ये बाइक 80% मेटल है और 20% प्लास्टिक है। प्लास्टिक के एलिमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, फ्रेम में मिल जाएगा। बाकी इसका जो ओवरऑल फिनिश है वो आपको एक मेटालिक फिनिश देती है। इसमें आपको सिर्फ ग्लॉसी फिनिश मिलता है और 3 कलर वेरिएंट मिलते हैं। मेरे पास जो है वो है ब्लैक, इसमें आपको रेड आती है और एक ग्रे आती है। ग्रे वॉज माई फेवरेट बट वो अवेलेबल नहीं था तो हमने ब्लैक लिया। मेरी हाइट 5.8 है और जब मैं इस पर बैठता हूँ मुझे बिल्कुल भी ओवरलोडेड फील नहीं आता जो मुझे स्प्लेंडर और पैशन प्लस में आता है। मेरा जो कज़न है वो 5.10 है और आप उसकी भी हाइट के हिसाब से देख सकते हैं, ये बाइक बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ओवरसाइज बंदा इस बाइक को चला रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसकी जो हाइट है वो 750 mm है, यानी कि 2.6 feet। मेरी हाइट के हिसाब से ये देखिए, मेरा जो पैर है ये पूरा का पूरा फ्लोर पर जा रहा है और अगर मैं इसे उठा भी लूँ तो काफ़ी एक अच्छा पोजीशन मुझे मिलता है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 170 mm यानी कि ऑलमोस्ट हाफ फीट का है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। इसके जो हैंडल बार्स है ये काफ़ी लो हाइटेड है और टैंक जो है ये इसका लंबा है। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ तो इसका पोजीशन हल्का सा एग्रेसिव है। ये आपको वाली फीलिंग नहीं देता है जो आपको एक स्प्लेंडर में मिलती है या आपको पैशन में मिलती है या अगर आपको प्लैटिना में मिलती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बाइक मुझे लुक एंड फील में एक 150cc का सेगमेंट का जो बाइक होता है वाला फील देता है, जो आपको यूनिकॉर्न में मिलता है, अचीवर में मिलता है, एक्सट्रीम में मिलता है। तो ये उस लेवल की क्वालिटी मुझे इस बाइक में फील हुई है। इसके जो हैंडल बार के ग्रिप है वो सिलिकॉन है तो आपको काफ़ी अच्छा एक ग्रिप मिल जाता है। इसकी जो स्विचेस की क्वालिटी आप देखेंगे, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। मिरर की क्वालिटी आप देखेंगे, फिनिशिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, जो यूजुअली आपको एक 100cc की बाइक में नहीं मिलता है। जो एक ये स्पोर्ट्स का टैग दिया है वो भी ये बाइक कहीं ना कहीं फील में अचीव करती है। अगर मैं इसके हेडलाइट्स की बात करूँ, इसके इंडिकेटर्स की बात करूँ तो ये सारे के सारे हेलोजन है, कोई भी इसमें LED लाइट यूज़ नहीं किया है। पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी सारी की सारी लाइट डार्क कंडीशन में ट्राई करी है। ये रही इसकी फ्रंट की हेडलाइट, ये रहा इसका पासिंग और ये रहा इसका साइड इंडिकेटर और ये रहा इसका बैक LED। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और बैक में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है। हमने इसे रोड के स्पीड ब्रेकर्स में भी ट्राई करके देखा। इसका जो फ्रंट और बैक का टायर है ये 17-inch का है। ये टायर ट्यूबलेस नहीं है, ये ट्यूब वाले टायर है। साइड में आपको एक गार्ड मिल जाता है। इसका जो हॉर्न है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऑडिबल है। मैं आपको इसका एक सैंपल सुना देता हूँ। इसके जो मिरर्स है ये काफी सफिशिएंट है, इतने वाइड भी नहीं है, इतने छोटे भी नहीं है। तो लुक एंड फील में मैं इस बाइक को 5 out of 5 दूंगा। इसके कुछ कुछ फीचर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो क्लस्टर है इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, किलोमीटर मिल जाता है। इसमें एक चीज उन्होंने हटाई है जो स्पेशली इस रेंज की बाइक में मिलती है आपको, वो है इसका RPM मीटर। आपको फ्यूल का इंडिकेटर मिल जाता है। उसके बाद अगर आपकी जो बाइक है वो अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो, पावर मोड पे हो या इको मोड पे हो, तो ये आपको इंडिकेट कर देता है न्यूट्रल, फिर फ्लैश एंड देन साइड इंडिकेटर। और ये मेरा फेवरेट, अगर आप स्टैंड पर रखते हो गाड़ी तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो MIL इंडिकेटर है। अब MIL इंडिकेटर क्या है? MIL इंडिकेटर से आपके गाड़ी में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये आपको इमीडिएटली दिखा देता है। तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, और जैसे आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो ये विदिन 10 seconds बंद होना चाहिए। और अगर ये बंद नहीं होता है दैट मीन्स आपकी गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपको सर्विस सेंटर विजिट करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है और ये फीचर इसके इंजन की वजह से आएगी। जैसे आपको पता है कि इसका इंजन BS6 OBD2 है, ये इसका सबसे लेटेस्ट वेरियंट है जो
अपने आप ही पूरे के पूरे इंजन को डायग्नोस्ट करता है और एक सिग्नल दे देता है एमआईएल को कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप उसे सर्विस सेंटर जाएंगे तो सर्विस सेंटर वाले से कनेक्ट करके एग्जैक्टली देख सकते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है और उसे वो ठीक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही टाइम एफिशिएंट फीचर है। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की, लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल अच्छा लगा, अगर आपको मेरा रिव्यू करने का स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। तो इसका जो इंजन है वो आपको 8.18 का मैक्स पावर दे देता है 7350 के आरपीएम में, और 8.7 एनएम का मैक्स टॉर्क दे देता है 4500 के आरपीएम पे। ये एक बहुत ही एवरेज फिगर है, अगर आप कंपेयर करोगे इसे एक 100cc बाइक के मुकाबले तो ये थोड़ा कम है, पर ये मुझे सफिशिएंट लगा। अगर आपको BHP और टॉर्क नहीं पता क्या होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाला है, आप उसे देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी 112 किलोग्राम है, तो ये बहुत ही हल्की बाइक है, और अगर आप इसे हाईवे पर लेकर जाते हो तो ये आपको थोड़ी सी अनस्टेबल लगेगी। तो ये बाइक 50-55 तक काफ़ी स्टेबल लगती है मुझे, लेकिन जैसे ही ये 60 का मार्क क्रॉस करती है काफ़ी हल्की फील होती है, तो मैं इसको प्रीफर करता हूँ कि 60 के नीचे ही रखूँ। मैं एवरेज उसको 40-45 पर ही चलाता हूँ, उससे ज़्यादा फास्ट नहीं जाता हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ कम्यूटर बाइक इन सिटी आप उससे ज़्यादा स्पीड बहुत मुश्किल से ही कहीं पर अचीव कर पाते हो, बट हाँ अगर आपको अचीव करना है 60-70 तो ये बाइक जा सकती है। और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी बहुत ही बेस है, तो आपको एकदम लाउड भी नहीं लगता है क्योंकि BS6 का इंजन है। मैं आपको इसके एग्जॉस्ट का एक छोटा सा सैंपल दे देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा इसका एग्जॉस्ट भी काफी स्मूथ है। तो मैंने ये बाइक क्यों ली, डेली एवरेज कम्यूटिंग हमारा होता है 25-30 किलोमीटर्स का, और इसका जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है कि ये 80 किलोमीटर है। मुझे लगता है कि रियल लाइफ कंडीशन में ये आपको 65-70 का एवरेज आराम से दे देगी, क्योंकि मैंने इसे 10 किलोमीटर में फुल टैंक करवाया था। आप देख सकते हो कि अब तक मैंने इसे 130 किलोमीटर चला लिया है, लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ एक पॉइंट का ही डिफरेंस आया है। तो मेरे हिसाब से ये बाइक आपको फुल टैंक पे इजीली 700 किलोमीटर्स के आसपास का माइलेज दे देगी। फिर भी मैं इसका जो एक्चुअल माइलेज निकलेगा वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और ये जो इंजन है ये E20 कंपैटिबल है, यानी कि आपका एथेनॉल 20% और 80% का पेट्रोल, बिकॉज ये बाइक हर तरह से लेटेस्ट है और हर तरह से अपडेटेड है। ये बाइक अब 10 से 15 साल भी चलाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बाइक ओवरऑल मुझे पॉकेट फ्रेंडली लगी, कॉस्ट सेविंग लगी और स्टाइलिश लगी। आपको इस प्राइस रेंज में इतनी स्टाइलिश बाइक विथ दिस माइलेज नहीं मिलेगी। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये बाइक हमें पड़ी है यहाँ पे 79,000 की आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज। ऑन रोड प्राइस स्टेट टू स्टेट अलग अलग होता है, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, बट 80,000 में ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी। इस रेंज में आपको कोई भी बाइक नहीं मिलेगी। मैंने स्प्लेंडर देखी, पैशन देखी, शाइन देखी जो कि 92,000 का है, इसके आसपास के जितने भी बाइक रेंज आप निकाल लो, ये बाइक का जो लुक है, ये बाइक का जो फील है वो आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा। मेरे तरफ से इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।